इस वक्त अयोध्या के प्राचीन मंदिर के पास मौजूद हैं और आप ये देखेंगे, ये अयोध्या का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है श्री राजद्वार मंदिर अयोध्या। और इस मंदिर के अंदर सीताराम की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति है, माँ पार्वती की मूर्ति है और इसके साथ ही साथ वीर बजरंगबली की मूर्ति है। यहाँ तमाम वो जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन है और ये सीधा हनुमान गढ़ी यानी कि जो हनुमान जी का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है जहाँ पर रोज़ाना काफ़ी संख्या में भक्त आते हैं। ख़ासतौर पर मंगल और शनिवार को तो मतलब भक्तों का तांता लग जाता है। लेकिन उस मंदिर के ठीक सामने यह राजद्वार मंदिर है जो यहाँ के राजाओं का मंदिर है। मान्यता है कि जब अयोध्या में राजा निवास करते थे तो उस समय में इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया था और तब से जो यहाँ पर राजा रहे वो यहाँ पर आके पूजा अर्चना करते थे। चूँकि अभी माहौल जो है वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर है और अयोध्या में जितने छोटे बड़े मंदिर हैं उनका रंग रोगन का काम चल रहा है, यानी कि वहाँ पर साज सजावट का काम चल रहा है। लेकिन जब हम हनुमान गढ़ी की तरफ घूम रहे थे और पूरा हम मुआयना कर रहे थे अयोध्या का, तो हनुमान गढ़ी के ठीक सामने हमें ये मंदिर दिखाई दिया जो बाहर की तरफ अगर इसका हम देखें स्ट्रक्चर तो काफ़ी सुंदर है लेकिन उपेक्षित नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से साज सजावट या रंग रोगन नहीं किया जा रहा है। जब हम अंदर गए तो यहाँ पर पुजारी जी तो नहीं थे लेकिन उनकी एक बच्चिया थी, उनकी बेटी ने बताया कि रंग रोगन का कार्य जो है वो प्रपोज़ल भेजा गया है यहाँ के जो मतलब राजा हैं जो यहाँ पर रहते हैं, अगर वो जब इस प्रपोज़ल का प्रस्ताव पारित करेंगे यानी कि उसको अप्रूव करेंगे तब यहाँ पर रंग रोगन का काम होगा। हालांकि कब होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अयोध्या में जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं उस पर जो है सरकार की तरफ से विशेष तौर पर साज सजावट किया जा रहा है, रंगा जा रहा है और आकर्षण बनाया जा रहा है कि अयोध्या में जो श्रद्धालु आए वो देखे कि अयोध्या में जितने भी छोटे बड़े मंदिर थे उन्हें बहुत ही भव्य तरीके से उन्हें निखारा जा रहा है। क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे जिस जगह मौजूद है ना, यहाँ से करीब 500 मीटर पर वो राम जन्मभूमि है जहाँ पर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहाँ पर भव्य राम मूर्ति है वो स्थापित होगी। आपने ठीक पीछे देखेंगे तो आपको ये बाज़ार दिखाई देगा, ये बाज़ार भी अभी डेवलप किया गया है। यहाँ पर संकड़ी गलियाँ थी जिनको तोड़कर चौड़ा किया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्क भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, चारों तरफ जो है वह जो नज़ारा है वो अद्भुत है। अयोध्या में ठंड भी है, इस बीच आप ये देखेंगे कि ये जो मंदिर है इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए था लेकिन चूँकि ये राजा का स्पेशल मंदिर था इसलिए यह वजह है कि अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है। और पूरे अयोध्या में जहाँ एक तरफ मंदिरों का जो कायाकल्प हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर पर फिलहाल ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं धीरज मिश्रा, अयोध्या,